हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वीडियो के टॉपिक को जानते हैं और फिर जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि सीबीएसई ने अपनी जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन की डेट शीट को रिलीज कर दिया है, सो उसी बीच पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के स्टूडेंट्स भी जो हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि उनकी डेट शीट कब तक आ जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसी बीच ना एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो क्या है वो बड़ी अपडेट, आज की इस वीडियो में हम उसी के ऊपर जिक्र करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल GdTechy को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो देखिए दोस्तों, ये एक न्यूज निकल के आ रही है, सीबीएसई क्लास 10th 12th बोर्ड एग्जाम 2022 टर्म 1 कैंसलेशन, लेटेस्ट अपडेट स्टूडेंट्स नीड टू नो। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अब ये मांग उठनी शुरू हो गई है कि ये जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन है उन्हें कैंसिल किया जाए। तो क्या है पूरी खबर, अब हम वो भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10th 12th बोर्ड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट, डेज अहेड ऑफ सीबीएसई क्लास 10th 12th बोर्ड एग्जाम 2022 टर्म 1 एग्जामिनेशन, सेवरल स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री आर डिमांडिंग that CBSE class 10th and 12th exam 2022 term 1 examination should be conducted online as they are yet to receive the COVID-19 vaccination dose. जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब ये मांग करनी शुरू कर दी है कि जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन है उन्हें ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाया जाए जब तक वो COVID-19 की फर्स्ट डोज रिसीव ना कर ले। बाकी दोस्तों अब देखना यही होगा, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो क्या कोई बड़ी मांग उठ सकती है। बाकी जो भी नई अपडेट आएगी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे, अगर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ओर से भी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगे प्लीज शेयर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।